हेलो दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हम आ चुके हैं शेख चिल्ली के मकबरे के सामने। ये वह विशाल इमारत है, वह मकबरा है जिसको कहा जाता है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली के बारे में आपने अभी तक कॉमेडियन के तौर पर ही सुना होगा। दरअसल शेख चिल्ली कॉमेडियन नहीं थे, ये बहुत बड़े सूफी संत थे। ये शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा सिकोही के सूफी संत थे और उनके सलाहकार थे और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे। दारा सिकोही ने ही इस किले का निर्माण कराया था शेख चिल्ली की याद में। ये वह परिसर है, आप देख रहे हैं इसके आसपास बहुत बड़ा गार्डन है। दारा सिकोही ने इस किले का निर्माण कराया। यहाँ के कुछ लोकल लोगों का यह भी कहना है कि इस किले का निर्माण जिन द्वारा किया था, दरअसल जो हमारे शेख चिल्ली थे उन्हें कोई जिन मिल गया था और उनकी इच्छा के अनुसार एक रात के अंदर इस मकबरे का निर्माण किया गया था। हालांकि कुछ मकबरा यहां अभी अधूरा छूटा हुआ है, उसका निर्माण किया जाना बहुत बचा हुआ था, वरना ये और ज़्यादा सुंदर लगता। यहाँ के लोकल लोग ये भी कहते हैं कि किसी बूढ़ी अम्मा के द्वारा सुबह सुबह रात में ही झाड़ू लगाने की वजह से जिनको लगा कि ये अब सुबह हो गई है, इसलिए उन्होंने कार्य को छोड़ दिया था, इसलिए यह कार्य अधूरा रह गया। मगर यह कहानी थी महज या हकीकत, ये हम कुछ नहीं कह सकते। मगर लोकल लोगों का यह कहना था कि इस मकबरे का निर्माण जिन द्वारा कराया गया था। और इतिहासकारों का कहना यह है कि जो शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा सिकोही थे, वह सूफी संत को काफ़ी ज़्यादा चाहने लगे थे और शेख चिल्ली उनके सूफी संत और सलाहकार थे, इसलिए मौत के बाद भी पहले ही यह निर्माण कराया गया था। और इस किले में शेख चिल्ली के साथ शेख चिल्ली की बेगम भी रहती थी और उन दोनों की कब्रें भी इस किले के अंदर मौजूद हैं। अभी आप शेख चिल्ली का वही मकबरा देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा और विशालकाय है। पहले इसमें कोई टिकट वगैरह नहीं लगती थी, मगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पास में होने की वजह से लड़के लड़कियां अक्सर यहां पर आ जाया करते थे। और जो हम ये पुरानी संपदा है, पुराने पुरातत्व दीवारें थी, उन्हें ख़राब करने की वजह से अब इसमें 40 रुपये का टिकट लगता है और यह ऑनलाइन पे करना पड़ता है पर्यावरण संरक्षण जो संस्था बनाई है उसको। ये मैं आपको उस किले की कुछ झलक दिखा रहा हूँ। ये अभी इसमें तहखाने और कब्र वगैरह हैं। इसमें बताया जाता है कि कमल फूल पत्ती का भी निर्माण हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो आकृति देख रहे हैं, हालांकि इसे हर्ष का टीला भी कहा जाता है, ये अपने अलग अलग राजाओं के जैसे जैसे कब्जे रहे हैं उसके हिसाब से बोला गया है। ये तहखाने की तरफ हम चल रहे हैं और इसी तरीके से ये पूरा परिसर बनाया गया है। शेख चिल्ली सूफी संत थे दारा सिकोही के, और शेख चिल्ली इनका नाम अब्दुल रहीम था। ये शेख चिल्ली तो एक कहानी के मुताबिक इनका नाम पड़ गया था, घर का नाम कह सकते हैं हम। और ये आपने पूरा परिसर देखा, शेख चिल्ली का मकबरा कैसा लगा आप हमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो